हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो 4-5 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो सोचा कि चलो बनाते हैं, आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोपहर में आई थी पनीर, मटर पनीर बनाने, तो सोचा कि चलते हैं अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर रही हूँ, नाश्ता वास्ता किए हैं तो सब इधर उधर फैला हुआ है, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और बनाएंगे फटाफट से मटर पनीर। बहुत मतलब टेस्टी सा, मैं अपना स्टाइल आप सबको बताऊंगी और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से, मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ। तो ये यहाँ पे देखिए पनीर था, ये 1/2 किलो पनीर है। तो कल हम लोग को जो दूध देते हैं वो पनीर लेके आए थे, बोला कि रख लीजिए, फिर मैंने रख लिया सारा पनीर। तो सोचा कि चलो बना देते हैं, वरना पहले का पैकेट भी है खट्टा हो जाएगा, इसीलिए इसको मैं आज बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, और ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च रेडी कर ली हूँ छील के, और यहाँ पे प्याज है, 2 प्याज ली हूँ, कट कर ली हूँ मोटा मोटा सा, और यहाँ पे काजू नहीं था तो मैंने अभी मंगाया सिवा से। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल दी हूँ, और हमारा सारा सब्जी सरसों का तेल में ही होता है। और यहाँ पे मैं दूसरा कढ़ाई भी बिठाई हूँ, और इसमें मैं मसाला को भून लूँगी। और यहाँ पर देखिए प्याज हरी मिर्च लहसुन और अदरक, तो इन सबको डाल के और थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होने तक इसको मैं पकाऊंगी। और इधर पनीर को मैं फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ, और इसे अभी चलाऊंगी नहीं वरना टूटने लगेगा। तो इसमें देखिए काजू भी डाल दी हूँ, और 2 टमाटर ली हूँ, इसको भी मैं मोटा मोटा सा कट करके डाल दूंगी, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक मैं इनको सबको पका लूँगी। तो ये देखिए इधर ये भी पकते रहेगा, और इधर पनीर फ्राई हो जाएगा मेरा सब्जी, बस 15-20 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मटर है, मटर को मैं छील के और 1 सीटी उबाल के और मतलब निकाल लूँगी मैं, और थोड़ा सा उबाल लेने से तो अच्छा होता है मटर, टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, और यहाँ पे देखिए सारा मसाला को मैं मिक्सी में निकाल ली हूँ, और इसमें दालचीनी 2 लौंग और इलायची डाल के पेस्ट बना ली हूँ। और यहाँ पे सरसों का तेल जो मैंने डाली थी थोड़ा बच गया, और उसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल दूँगी, और जीरा और तेज़पत्ता डाल के, और उसको अच्छी तरह से भुनने के बाद जो मसाला पीसा मैंने उस सबको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में और डाल के, और इसमें बहुत सारा चिपक गया था तो इसको सबको निकाल दूँगी, थोड़ा सा पानी भी डाल के निकाल दूँगी। उसके बाद जीरा पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर जो बेसिक मसाले हैं वो डाल के अब इसको अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि मतलब मसाला तेल ना छोड़े। देखिए अभी कैसा दिख रहा है, अभी देखिए रेड जैसा हो गया, और इसमें डाल देंगे नमक, और अभी भी नहीं भुना है इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए दिखा रही हूँ कि मसाला बहुत अच्छे से भुना है, और यहाँ पे इसको चला रही हूँ, और इसके बाद इसमें मैं उबला हुआ मटर डाल दूँगी, और ये मटर 6 मी है, इसको ज़्यादा उबालते नहीं वरना गल जाएगा। मैंने हल्का सा उबाला है, 1 सीटी लगाया, उसके बाद मैं गैस तुरंत निकाल दी। तो उसके बाद इसको मैं मटर को डाल के मसालों के साथ थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। भुनने के बाद थोड़ा पानी डाल दी, उसके बाद देखिए पनीर थोड़ा सा मैं मैश करके डाल दी हूँ, इस तरह से ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद यहाँ पे जो पनीर के पीसेस है सब डाल देंगे, और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये उबल रहा है, 2 मिनट उबलेगा, उसके बाद अपना मटर पनीर बनके तैयार हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा बना था, प्रीति का तो फेवरेट है पनीर। तो ये देखिए अब बस हो गया है, अब कसूरी मेथी तो डाल देंगे, कस्तूरी मेथी, धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, और पनीर में तो कस्तूरी मेथी बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैं हाथों से रगड़ के इसको अच्छी तरह से डाल दूँगी, और डालने के बाद मिक्स करके और करेंगे गैस बंद। तो फ्रेंड्स आप सबको रेसिपी कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए अब मिलेंगे कल।